देख सकते हैं गाइस कि हम अभी उतरे हैं और ट्रेन से उतरे हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, 8:05 पर ट्रेन से उतर गए हैं और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी हमें। तो अब जब भी हम आएंगे तो आला हजरत एक्सप्रेस से आएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली से जो है आए थे हम पैसेंजर गाड़ी बरेली से, वो तो छूट गई और अब हम जा रहे हैं। यहाँ अजमेर जंक्शन है, कौन इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ की, थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे अजमेर शरीफ जंक्शन का बाहर से, और फिर ये वीडियो अपलोड अभी कर देंगे और बाकी सुबह जो वीडियो डालेंगे वो अजमेर शरीफ दरगाह से तारागढ़ तक का। देख लीजिए अजमेर जंक्शन है। तो ठीक है फिर, अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। देख लीजिए ट्रेनें हैं, देखिएगा गाइस बेवकूफ़। हाँ हम ही उतरे ना, है ना कहू। अभी आपको दिखाते हैं कि सीढ़ियों से उधर नहीं मिला था, तभी हम बाइक से आए पैदल पैदल। तो आप देखिए अजमेर जंक्शन, अभी अजमेर जंक्शन देखिएगा यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो तो रात में हम आए हैं, वरना दिन में आपको दिखाते हैं यहाँ से कितना बढ़िया वीडियो यहाँ का लगेगा अगर आप देख लें तो। पीछे देखिए, सामने मस्जिद है, घंटा घर है, घंटा घर सफाई साफ ना दिख रहा है। झंडा झंडा कितना बढ़िया है यार, रात में सीन सफा ना है। होटल है, चलिए इतनी बढ़िया वीडियो आई इसकी। अरे रुको, बताओ बे रहेगा ये पीछे। आपको यहाँ का रात का दीदार कराते हैं, नज़ारा कराते हैं, कितना खूबसूरत है यहाँ का मंदिर, देख सकते हैं आप। रात में कितनी सवारी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो यार। चलिए आगे दिखाते हैं, अभी मदार गेट में चल रहे हैं, मदार गेट में 15-20 मिनट में हम दरगाह शरीफ पहुँच जाएंगे। देखिए अभी आगे चल के दिखाते हैं, थोड़ा वीडियो और आगे थोड़ा सा मना लेते हैं। ख्वाजा लोविंद कितना खूबसूरत है नजारा, मुझे दुनिया लगे रे, मुझे दुनिया लगे रे, राजा जी की दुनिया
दरगाह पे नमाज अदा करा, फिर दरगाह का भी वीडियो दिखाएंगे। अच्छा,